अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे भाइयों और बहनों की तरफ से कमेंट बॉक्स में हमसे चंद सवालात किए गए, कोशिश की जाएगी कि उनके सवालों के तमाम ही सवालों के जवाबात दे दिए जाएं। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है हमारे एक भाई का कि क्या बिना टोपी के नमाज़ नहीं होती। देखिए, बिना टोपी के नमाज़ तो हो जाती है, लेकिन जानबूझकर ऐसा करना यानी बिना टोपी के नमाज़ पढ़ना ये मकरूह है। सर ढाक कर नमाज़ पढ़ना ये सुन्नत है, हमेशा सर ढाक कर ही नमाज़ पढ़ना चाहिए। कभी कभी अगर ऐसा हो कि आप भूल जाएं, टोपी आपके घर पर रह जाए, आपके पास मौजूद ना हो, तो नमाज़ पढ़ लें, कोई हरज नहीं, नमाज़ हो जाती है। लेकिन जानबूझकर ऐसा करना कि टोपी उतार कर नमाज़ पढ़ना या टोपी को अहमियत ना देना, ये ख़िलाफ़ सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा भी नंगे सर नमाज नहीं पढ़ी है, लिहाजा सर ढाक कर ही नमाज़ पढ़ना चाहिए। दूसरा सवाल हमारे एक भाई ने किया है, क्या कपड़ों की नापाकी की हालत में कुरान पढ़ा जा सकता है। देखिए, कुरान पढ़ने का जो ताल्लुक़ है वो ज़ुबान के साथ है, लिहाजा अगर आप पाक हैं, आपका बदन पाक है, आप हुक्मी तौर पर भी पाक हैं यानी आपका गुस्ल भी है और बावजू भी हैं और बेवजू भी हैं, तब भी आप कुरान बगैर देखे बगैर छुए पढ़ सकते हैं। लेकिन अदब का तकादा ये है कि आप बेवजू हों, बावजू हों। और रही बात के कपड़े नापाक हों तो कुरान पढ़ना कैसा है, देखिए कपड़े नापाक हों तो कुरान पढ़ना ये भी खिलाफ अदब है, क्योंकि आप जब कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं तो उस वक्त चाहिए कि पाक साफ़ कपड़े पहनकर कुरान करीम की तिलावत की जाए। कुरान करीम की तिलावत करते वक्त कपड़ों का नापाक होना तो दूर की बात है, कपड़े उस वक्त गंदे भी ना हों, ये कुरान करीम का अदब है कि साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर। बुज़ुर्गों का तो अमल यहाँ तक आया है कि जब वो अहादीस को पढ़ने बैठते थे तो नहाते, गुस्ल करते, उसके बाद नए कपड़े पहनते, उसके बाद इत्र और खुशबू लगाने के बाद हदीस को पढ़ाने बैठते थे, तो हदीस का इतना अदब किया करते थे, तो ज़ाहिर है कुरान करीम का अदब इससे ज़्यादा होना चाहिए। लिहाजा नापाक कपड़ों में बिला वजह कुरान करीम की तिलावत नहीं करना चाहिए, मजबूरी हो तो एक अलग बात है। एक और भाई ने हमारे सवाल किया है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब, मालूम ये करना था कि बच्चे जो कहानियाँ देखते हैं वो कैसा है देखना, और अगर नुकसान है तो क्या। वालेकुम अस्सलाम। इस सवाल पर मुस्तकिल एक क्लिप बनाई जा चुकी है, इंशाल्लाह वक्त मिलते ही अपलोड की जाएगी। इनका दूसरा सवाल है कि मुफ्ती साहब, मालूम ये करना है कि जो लड़के सर पर स्ट्रेट करते हैं वो करना कैसा है और क्या उसके साथ नमाज़ हो जाती है। और दूसरा सवाल है कि काले बाल करना कैसा है। देखिए, इसका जवाब ये है कि बालों को स्ट्रेट कराना ये कोई ज़रूरत तो है नहीं कि आप उसमें स्ट्रेट कराएंगे और उसमें पैसा ज़ाय करें, इससे तो बेहतर है पैसा किसी सही जगह में ख़र्च करें। और कभी कभी ऐसा होता है कि बाल भेड़ंगे लगते हैं, घुंघरेलू ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए कोई स्ट्रेट कराना चाहे तो करा सकते हैं। लेकिन अगर लड़के, क्योंकि सवाल मर्दों के ताल्लुक से ही है, तो लड़कों को तो ये चाहिए कि सर पर टोपी पहना करें, सर पर इमामा बांधा करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बाकी अगर कोई इमामा ना बांध कर, टोपी ना पहन कर बालों पर स्ट्रेट कराता है तो इसमें कोई हरज नहीं है, कर सकते हैं। एक सवाल और है कि काले बाल करना कैसा है। तो देखिए, बाल काले करना जायज़ नहीं है। काले रंग के मेहंदी के अलावा आप किसी भी रंग की मेहंदी अपने सर पर लगा सकते हैं, जो डाई वगैरह आती हैं ब्लैक कलर की वो आप नहीं लगाएं। इसके अलावा दूसरी किसी किस्म के रंग की, मसलन एक रेड कलर की आती है या इस तरह एक ग्रीन होती है जो डार्क ग्रीन होती है, जो है वो बिल्कुल ब्लैक जैसी महसूस होती है, डार्क ग्रीन आप कर सकते हैं लेकिन ब्लैक नहीं कर सकते। हमारे एक भाई हैं फैज़ान कुरैशी, उन्होंने सवाल किया है कि हाफ आस्तीन में मर्दों की नमाज भी नहीं होती, क्या मुफ्ती साहब बयान करें। देखिए, बिला उज्र हाफ टी शर्ट या हाफ कमीज़ में नमाज़ पढ़ना मकरूह है। अगर आप इसको मामूल में बना लें, इसी तरह नमाज़ पढ़ें, तो फिर ये मकरूह है, और अगर इस तरह करते रहेंगे तो सवाब भी कम मिलेगा और गुनाह होगा। लिहाजा कपड़े ऐसे पहनना चाहिए जिनकी आस्तीन फुल हो, हाफ आस्तीन ना हो, और अगर बवज में मजबूरी कभी कभी ऐसा हो जाता है तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बहरहाल नमाज हो जाती है। हमारे एक भाई हैं शहबाज खान, उन्होंने सवाल किया है, इनके दो सवाल हैं, एक सवाल है दाढ़ी के ताल्लुक से। तो देखिए, दाढ़ी के ताल्लुक से इन्होंने जो सवाल किया है उसका जवाब जो है आज की वीडियो में अपलोड कर दिया गया है, लेकिन इनका एक और सवाल है, वो पता नहीं किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है। अगर इन्होंने कुछ लिखा है, हो सकता है मेरे मोबाइल में वो फॉन्ट ना हो इसलिए मुझे वो शो नहीं कर रहा, मैं ये मैसेज उनका दिखा रहा हूँ, उन्होंने जो भी अगर लिखा है तो वो मुझे किसी दूसरे फॉन्ट में या उर्दू में या हिंदी में टाइप करके भेज सकते हैं ताकि उनको जवाब दिया जा सके। हमारी एक बहन है, उन्होंने सवाल किया है कि जनाब, आसमान को देखते हुए दुआ मांगना कैसा है
या इसमें कोई हर्ज है? यूं ही बैठे बैठे प्लीज़ जवाब दें। कासमी साहब के स्टूडेंट हैं हम, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपके इल्म में और उम्र में बरकत अता फरमाए। बहुत सारी बातें आपने उनसे सीखी होंगी, अल्लाह ताला उनके भी इल्म और उम्र में बरकत अता फरमाए। फिर आपका जो सवाल है, आसमान में देखकर दुआ मांगते वक्त आसमान में देखने के ताल्लुक से, तो देखिए आसमान में देखकर आसमान की तरफ निगाह उठाकर दुआ मांगना ये ख़िलाफ़ अदब है, इस तरह दुआ नहीं मांगना चाहिए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि बैठे होते हैं तन्हाई में, अल्लाह को याद कर रहे होते हैं, कभी अल्लाह के खौफ से, कभी इंतहाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत में दिल की कैफियत तब्दील हो जाती है, और फ़र्त मोहब्बत में अगर यूं ही आसमान की तरफ निगाह उठाकर अपने रब से हम कलाम होने का मन करें, और कोई इस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जैसे कभी बात करने का मन करता है, तो इस तरह अगर कोई आसमान की तरफ निगाह उठाकर कभी कभी कर लेता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी चाहिए कि आसमान की तरफ निगाह उठाकर दुआ ना मांगा करें। उलमा ने इसको मकरूह लिखा है। एक और सवाल किया है हमारी बहन ने, मुफ्ती साहब क्या एक कुरान पाक का सवाब बहुत सारे मोमिनों को मरहूमीन को बख्श सकते हैं? अगर 15-20 नाम हों तो क्या सारों के नाम लेने ही होंगे? जिसका नाम छूट जाए तो उसको सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे प्यारे फौत हो चुके हैं, प्लीज़ जवाब दें। देखिए आप कुरान करीम जो पढ़ें उसका सवाब जो बख्शना चाहते हैं आप 15-20 जितने आपके मरहूमीन हैं, बल्कि कायनात में जितने मरहूमीन हैं, आप उन तमाम को जो है अपने कुरान करीम का सवाब पहुँचा सकते हैं। और दूसरी बात यह कि आपने सवाल किया नाम के ताल्लुक से, देखिए हर किसी का नाम लेना ज़रूरी नहीं है, आप उनका नाम लें या ना लें, दिल में आपने जो इरादा किया, या आप सिर्फ़ यही कह दें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि जितना हमने पढ़ा है इसका सवाब पूरी कायनात के जितने भी मरहूमीन हैं सबको पहुंचा दिया जाए, तो सबको पहुंच जाएगा, आपके कुरान करीम का सवाब सबको पहुंच सकता है। एक सवाल और किया है हमारी बहन ने, मुफ्ती साहब चूहे रेट्स को मारना कैसा है? देखिए कोई भी मूजी जानवर हो यानी तकलीफ़ दे जो आपको परेशान करता है, क्योंकि चूहों की आदत होती है कि वो घर के अंदर आते हैं, खाने पीने की चीज़ों को भी ख़राब करते हैं, किताबों को भी काट देते हैं, घर के सामान को भी ख़राब करते हैं, तो अगर आपको इनसे परेशानी है तो इनको भगाने या मारने के लिए आप कोई तरतीब करें कर सकते हैं, इनको मारना भी जायज़ है। एक सवाल किया है हमारे भाई ने कि अगर प्रेग्नेंट लेडी हो तो पहले बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए, हमने ऐसा सुना है। देखिए ये गलत बात है, जिसने भी कहा है ऐसा नहीं है, जो प्रेग्नेंट लेडी है वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती हैं। ये बात अलग है कि डॉक्टर्स ने किसी वजह से, क्योंकि प्रेगनेंसी की हालत में दूध की ख़राबी की वजह से अगर बच्चे की सेहत को नुकसान हो, इस वजह से अगर डॉक्टर ने मना किया है तो फिर ना पिलाया जाए, वरना मसले के एतबार से कोई हर्ज नहीं है, बच्चे को दूध पिलाया जा सकता है। हमारे एक भाई हैं, उन्होंने सवाल किया है कि मुफ्ती साहब तकबीर तहरीमा पढ़ते वक्त हाथ को कानों में सटाना चाहिए कि नहीं? सवाल इनका यह है कि तकबीर तहरीमा कहते वक्त हाथों को कानों से लगाना ज़रूरी है या नहीं लगाना चाहिए? तो देखिए कानों से तकबीर तहरीमा जब आप कह रहे हैं उस वक्त आप अपने हाथ उठाएं और कानों की लो को लगा दें तो ये मुस्ताब है, बेहतर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, अगर लगा लें तो अच्छी बात है और न लगाएं तो कोई हर्ज और कोई गुनाह नहीं है। हमारी एक बहन है, उन्होंने सवाल किया है मुफ्ती साहब आजकल आयत करीमा इज्तिमाई पढ़ी जा रही है, इसकी क्या हकीकत है? देखिए आयत करीमा हो या कोई दूसरा वदीफ़ा हो या कोई दुआ हो, उसको इज्तिमाई अगर पढ़ें कभी कभी तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसको लाजिम और ज़रूरी समझ लें कि ना पढ़ने वाले को बुरा भला कहें, या हमेशा के लिए डेट फिक्स कर लें, दिन फिक्स कर लें कि इस दिन पढ़ना ज़रूरी है, ना पढ़ने को बुरा समझें, और अगर कभी छूट जाए तो इसमें जो है अपने लिए बुरा समझें, तो इस तरह से अगर पढ़ते हैं तो फिर ये गलत बात है। लेकिन अगर कभी कभी इज्तिमाई तौर पर मरहूमीन को सवाब बख्शने के लिए या कभी बरकत के लिए या बस ऐसे ही पढ़ जाए तो कोई हर्ज नहीं है। हमारे एक भाई, उन्होंने सवाल किया है हज़रत इस दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम को आए हुए कितना अरसा हो गया? देखिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का जो फासला है वो 6,000 साल है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 6,000 साल हो चुके, और उसके बाद अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकरीबन 1450 साल हो चुके हैं, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में आए हुए तकरीबन 650-750 साल हो चुके हैं। हमारी एक बहन है, उन्होंने सवाल किया है कि अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ख्वातीन के नमाज का तरीक़ा तो मालूम है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि तकबीर तहरीमा के लिए जो हाथ उठाते हैं जैसा कि आपने बताया वैसे ही हम उठाते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ख्वातीन को हाथ उल्टे उठाना चाहिए, उल्टे बोले तो पीछे की तरफ से, क्या ये सही है? प्लीज़ जवाब ज़रूर दीजिएगा भाईजान।
देखिए, हमने जो तरीका बताया था हाथ उठाने का, सही तरीका वही है। इसके अलावा हाथ उठाने का कोई और तरीका नहीं है। जो वीडियो में बताया गया और जिस तरीके से आप हाथ उठाती हैं वही सही तरीका है। इसके अलावा कोई और तरीका हाथ उठाने का नहीं है। जो लोग कहते हैं उनको गलतफहमी है, वो सही बात नहीं कहते। हमारी एक बहन, उन्होंने सवाल किया है कि सजदे सहव एक बार है या दो, मतलब एक बार सजदे में जाएँ या दो बार। इन्होंने सजदे सहव के ताल्लुक से सवाल किया है कि सजदे सहव जो करते हैं सलाम फेरने के बाद, तो एक मरतबा करना है दो बार। तो जवाब यही है कि सलाम फेरने के बाद तकबीर कहकर एक सजदा करना है, उसके बाद उठकर बैठना है, फिर इस तरह दूसरा सजदा करना है। तो सजदे सहव में दो सजदे होते हैं, एक सजदा नहीं होता। हमारी एक बहन है, उन्होंने सवाल किया, अस्सलाम वालेकुम, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर बहुत दफ़ा गिफ्ट कार्ड मिलते हैं, मतलब कि फ्री गिफ्ट कार्ड वाउचर मिलते हैं अमेज़ोन और फ़्लिपकार्ट के, तो हम उस गिफ्ट कार्ड वाउचर से अमेज़ोन और फ़्लिपकार्ट की चीज़ें ख़रीदें तो ये सही होगा? बिल्कुल सही है। आपको या किसी भी कार्ड होल्डर को जो गिफ्ट मिलते हैं या वाउचर मिलते हैं, चाहे वो फ़्लिपकार्ट या दूसरी कंपनीज़ की तरफ से मिलें या बैंक वगैरह की तरफ से, जो कार्ड होल्डर है उसको जो भी स्कीम मिलती है वो उसके लिए लेना जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। हमारी एक बहन है, उन्होंने सवाल किया है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, किसी को शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी हो तो वो रोज़ा नहीं रख सकता, ना रमज़ान में ना रमज़ान के अलावा बाकी दिनों में, तो वो लोग क्या करें, क्योंकि रोज़ा तो फ़र्ज है। देखिए, अगर कोई ऐसा शख्स है जो दायमी मरीज़ है, जिसके सही होने के चांसेस नहीं है, डॉक्टरों ने मना कर दिया है, उनको ऐसी कमज़ोरी है जिसकी वजह से वो रोज़ा नहीं रख सकते, तो शरीयत ने उनको इजाज़त दी है कि वो रोज़े ना रखें और उसके बदले में फ़दिया अदा करें। एक रोज़े के बदले में एक सदक़े फ़ित्र की मकदार जो है गल्ला यानी पौने दो शेर गेहूँ एक रोज़े के बदले में वो किसी गरीब को दे दिया करें, यह उनके रोज़े की तरफ से फ़दिया हो जाएगा। इसी के साथ साथ एक बात और याद रखना चाहिए कि अगर वो कभी ज़िंदगी में सही हो जाते हैं तो जो उनके रोज़े रह गए हैं जिनके बदले उन्होंने फ़दिया दिया है, तो वो फ़दिया उनका जो है सदक़े नाफिला हो जाएगा और जो रोज़े रह गए हैं उनको उन रोज़े की कज़ा रखनी पड़ेगी। और अगर वो कभी सही नहीं होते हैं तो वो जो उन्होंने फ़दिया दिया है रोज़े की तरफ से वो उनको काफ़ी होगा। एक और सवाल किया हमारे भाई ने, उन्होंने सवाल किया है, मुफ्ती साहब पहला कलिमा जो है उसमें ला इलाहा पढ़ा जाएगा या ला इलाह, ज़रूर बताएं ताकि सबका कलमा सही हो जाए। देखिए, सही कलमा तैयबा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर आप सांस तोड़ेंगे इल्लल्लाह पर तो इसको इल्लल्लाह पढ़ेंगे और नहीं तोड़ेंगे तो इल्लल्लाहु पढ़ेंगे। तो सही कलिमा यही है कि आप इस तरह पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और अगर आप एक सांस में मुकम्मल पढ़ेंगे तो यूं पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारी एक बहन ने सवाल किया है कि क्या औरत गुस्ल खाने में नंगे होकर नहा सकती है, और अगर गुस्ल खाने में नंगे होकर गुस्ल करें तो क्या गुस्ल माना जाएगा, प्लीज़ इस पर भी वीडियो बनाइए। इसका बहुत छोटा सा जवाब है, जब आप गुस्ल करेंगे तो उसके लिए कपड़े उतारना होंगे, क्योंकि अगर बदन पर कपड़े हैं और नापाक कपड़े पहने हुए हैं और उसी कपड़ों के साथ आप गुस्ल करेंगे तो गुस्ल ही नहीं होगा। हमारे एक भाई, उन्होंने सवाल किया है, अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, मेरा ये सवाल है, नमाज़ पढ़ने की नियत से पहले दुआ पढ़ी जाती है क्या, और ज़रूर पढ़ना है या नियत करना ही काफ़ी है? इन्होंने सवाल किया, जो दुआ नमाज़ पढ़ने से पहले पढ़ी जाती है, जैसे नवैतु अन उअद्दिय लिल्लाहि तआला अरबा रकातिन, वो अरबी में दुआ होती है यानी चार रकात दो रकात की नमाज़ की, तो वो अरबी में नियत की दुआ होती है। आप उर्दू में नियत कर लें या दिल में नियत कर लें वही काफ़ी है, ज़रूरी नहीं है कि आप ज़ुबान से दुआ या नियत के अल्फाज उर्दू में या अरबी में कहें, दिल में आप जो नियत कर लेते हैं वो काफ़ी है। लिहाजा ये जो आप दुआ समझ रहे हैं यानी अरबी की नियत, इसको पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हमारे एक भाई हैं, उन्होंने सवाल किया है, मुफ्ती साहब गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग कहना कैसा है, ये मालूम करना है। देखिए, ये गैरों का तरीका है। जब इस्लाम ने हमें एक बहुत खूबसूरत तरीका दिया है कि जब आप किसी से मुलाकात करें तो उसको सलाम करें, उसको दुआ दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, कि अल्लाह ताला की आप पर सलामती हो, अल्लाह ताला की आप पर रहमत हो, तो गैरों का तरीका जिसमें कोई सलामती की दुआ नहीं है, किसी में कोई खैर नहीं है, उसको क्यों अपनाया जाए? गैरों के तरीक़े हैं, इनको अपनाना नहीं चाहिए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा दिया है उसको अपनाया जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के से बेहतर कोई तरीक़ा हमारे लिए नहीं है। लिहाजा अपने तरीक़े को छोड़कर गैरों का तरीक़ा अपनाना ये गैर मुनासिब बात है। हमारे एक भाई हैं, उन्होंने सवाल किया है, अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, यासीन शरीफ क्या अल्लाह ही के लिए पढ़ा जा सकता है, अल्लाह को खुश करने के लिए ही पढ़ा जा सकता है, पढ़कर किसी मरहूम को बख्श नहीं सकते? देखिए, कुरान करीम जो पढ़ा जाता है वो तो अल्लाह ही के लिए पढ़ा जाता है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए ही पढ़ा जाता है, लेकिन सवाल आपका यह है कि किसी को बख्श सकते हैं या नहीं, तो कुरान करीम आप जिसको चाहें उसको पढ़कर बख्श सकते हैं,
कोई हर्ज नहीं है, बल्कि आप जब किसी को पढ़कर बख्शेंगे तो उनको सवाब मिलेगा और आपके सवाब में भी इजाफा होगा, कमी कोई नहीं आएगी। लिहाजा कुरान करीम जो पढ़ें वो अपने मरहूमीन को, अपने रिश्तेदारों को और इस कायनात के तमाम मुसलमान मरहूमीन को बख्शना चाहिए। कुछ सवालों के जवाब आपको दे दिए गए हैं, बाकी कुछ सवाल कमेंट बॉक्स में बाकी रह गए हैं। इंशाल्लाह बाकी सवाल के जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।